गुड़गांव में बेटा ने बाप को गोली मारी, राजस्थान सास ने बहू को जलाया, बिहार में नक्सलियों ने थाना उड़ाया, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर दोस्त सगे भाई आपस में भिड़े। वाह भाई वाह, क्राइम में बहुत वेरिएशन है। सर सर सर, एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है सर। तुम सठिया गया का? हाँ सठिया गया का? कोनो गलती हो गई क्या सर? अरे खुशखबरी का बात कान के अंदर बैठ के सुनाओगे? हाँ अरे खुशखबरी को छिपाने वाला बात होता है, चिल्ला के बोलो, गला फाड़ के बोलो और थोड़ा डिस्टेंस रखो, बोलो। सॉरी सर। अब मसला होने का कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे का बात करो, बकवास का बात है। सर वो जो बांगू नगर का कॉन्टेक्ट था ना सर, अपनी कंपनी को मिल गया सर। क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है। अरे लेकिन वो कॉन्टेक्ट तो सिंघानिया कंपनी को मिलने वाला था। अरे कौन सेटिंग बिठाया रे? सर वो जो अपना मैनेजर है ना रतन लाल सर, उसने सिंघानिया के मैनेजर दोना को तोड़ दिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। ए बेगारी, ए नाराज हो रही? अरे खुश हो जा क्योंकि टलवा सिंह आज बहुत खुश है, ये मैनेजर तो कमाल कर दिया रे। अब सिंघानिया ये खबर सुनकर तिल मिला जाएगा, बिहारी को बेइज्जत करके अपनी कंपनी से निकालने का अंजाम अब समझ में आएगा। सिंघानिया साहब ये तो टेलर है टेलर, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। देखो माया, तुम अभी नई हो, तुम्हें इंडस्ट्री की भेड़चाल का तजुर्बा नहीं है, यहां बातें ज्यादा होती है और काम कम। तो मुझे क्या करना होगा सर? सबर से काम लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी करियर बनाने के चक्कर में कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन सही काम मिलना भी तो आसान नहीं है सर, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माया। देखो इस लॉज में रहने वाले सभी सही तरीके से चलने वाले लोग ही हैं, और जब तुम यहां आ गई हो तो तुम भी सही तरीके से चलना और रहना सीखो, और वैसे मैं तो हूं ही, जहां तक हो सकता है मदद मिलेगी मेरी। आप ही का सहारा है अजय जी, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या करना है क्या नहीं अगर यही सोचने में वक्त निकल गया तो काम कब कर पाऊंगी अजय जी? सर मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। धीरज रखो, जल्दी एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, भोजपुरी फिल्म है, मैं तुम्हें कल परसों ही उसके प्रोड्यूसर से मिलवाता हूँ, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा, तुम्हारी चुनाव पक्की है, लेकिन आगे तुम्हारी तकदीर। सच सर? डोंट वरी। और सब ठीक है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, आपका सब ठीक है ना? बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ आइए बैठिए, आई बेटी। इनका परिचय? जी नहीं, आपसे परिचय करवाने के लिए ही तो लाया हूँ, आप हैं माया शर्मा, अभिनेत्री हैं। आपकी इस नई भोजपुरी फिल्म के लिए हीरोइन के रोल में मैंने इनका ही चुनाव किया है सर, इसलिए आपसे मिलवाने चला आया सर। अच्छी बात है, अरे आप मेरे डायरेक्टर हैं, आपका चुनाव तो गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छी है, आपने सब कुछ समझा दिया है ना? हाँ। तो माया जी आप सब कुछ कर लेंगी? जी सर, मैं नई जरूर हूँ, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी सर। होने भी नहीं चाहिए, अरे नए आर्टिस्टों के तकलीफों को झेलने से तो अच्छा है स्टारों के नखरे झेलो। मैंने तो अपनी फिल्म के लिए रवि किशन और नगमा को साइन किया था, लेकिन जब अजय जी खुद आपके लिए कह रहे हैं तो। जी माया बहुत टैलेंटेड है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए सर। पैसा लगाऊं मैं और छोड़ दूं तेरे लिए, उल्लू समझ रखा है क्या? सर सर हाँ। तो माया का
चुनाव पक्का समझू ना सर? 100% पक्का। तो माया जी, कल आप एग्रीमेंट करके ही जाइए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ आसिफ, धंधा नहीं हुआ क्या? साले देखा ना तू, धंधा नहीं हुआ। मेरा धंधा सही है। तेरा चलेगा रे, गर्मी जो है। तू स्टेशन की तरफ क्यों नहीं जाता? उधर मेरे को लगता है तेरा धंधा सही होगा। साला बीएमसी तेरे बाप का है ना? साले इधर ही धंधा करना पड़ेगा। कब आके घर तोड़ देंगे पता नहीं। ये बीएमसी वाले साले फड़वे। ये वो हवलदार के चला गया क्या? सुबह आया था वो, एक चक्कर फिर मारेगा वो, एक चक्कर फिर मारेगा। और तू इतना सब कुछ करता है, अपना ली क्यों नहीं जाता फॉर्म भरने? जाऊंगा। कभी नहीं। कल जाऊंगा। कभी नहीं जाएगा। क्या साहब, कहाँ जा रहा है बे? आई सर, सर ये दोना। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, सुस्वागतम। थैंक यू सर। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया जो ले आए। थैंक यू सर। आप ही का चर्चा हो रहा था, ये हमरा पिए सब कुछ बता दिया आपके बारे में। कल से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। ओह थैंक यू सर। मेंशन नॉट, कुछ ठंडा गरम? नो नो थैंक यू सर। ओके ओके, घर जाना चाहेंगे? हां यस सर। थक गए होंगे? अरे भाई का नाम? रतनलाल सर। हां रतनलाल जी, घर तक छोड़ा हो मैडम को? बिल्कुल सर बिल्कुल। कल से काम में लगना है। चलें दोनों जी। ओके गुड, बाय बाय सर। ओके बाय बाय, बाय बाय, बाय सर, बाय। अच्छा 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 सा कंट्री है भाई, खूबसूरत भी है। सर सर, अरे का झूला झुलाओगे का? सॉरी सर, एक तो बात कहे सर। बका सर, इसको नौकरी पर रखने में हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना सर? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना सर? ऐसे भी सिंघानिया के से निकाले जाने के बाद हमारे किस काम की है सर? अरे जिंदगी भर बुड़बक ही रहोगे। देखो तुम फुटपाथ पे बैठा लोग की तरह सोचना बंद करो, समझा? सॉरी सर। अरे ये लड़की सिंघानिया कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट से मैनेजर के औहदे तक पहुंची। राज सिंघानिया के बारे में ये जितना जानती है, खुद सिंघानिया अपने बारे में नहीं जानता होगा।